और हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस सफर में मैं आपको कहाँ पर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ राष्ट्रीय संग्रहालय को एक्सप्लोर करवाने के लिए। और आपको इस म्यूजियम के अंदर 2 लाख से भी अधिक अवशेष देखने को मिलने वाले हैं, जो प्राचीन समय में प्राप्त हुए हैं, जो भारत की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। और दोस्तों, आपके मन में काफी सारे सवाल रहते हैं कि भाई हम भी नेशनल म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ का टाइमिंग क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहने वाला है, यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन क्या रहेगा, टिकट प्राइस क्या होगी, यहाँ का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड कौन सा रहेगा, तो सभी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हारे भाई की आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप नेशनल म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड रहेगा वो नेशनल म्यूजियम का रहेगा। ये सब बसें आती है जनपद रोड से होकर, जैसे आप उतरेंगे जस्ट आपको अपोजिट साइड में आपको नेशनल म्यूजियम मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और साथ ही आप सामने की ओर देख रहे हैं नेशनल म्यूजियम की यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच में खुला रहता है, ट्यूसडे से संडे के बीच में। यहाँ पे एंट्री टिकट के प्राइस भी लिखे हुए हैं, इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ है और फॉरनर्स के लिए 500 रुपये की इसमें टिकट होने वाली है। और यहाँ पे 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री एंट्री रहने वाली है, और उनको अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। बकाया सब आप पोस्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इनके। फिलहाल चलते हैं अपन अंदर की ओर और फिर चलते हैं। यहाँ पे आप सामने की ओर देख रहे हैं पार्किंग है, पार्किंग एकदम फ्री है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की। और ये यहाँ पे रोड देख रहे हैं आप, ये जनपद रोड है, जनपद रोड पे आपको इसकी लोकेशन मिलने वाली है, इसके अकॉर्डिंग आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन का रहेगा। यदि आप आना चाहते हैं तो आपको येलो लाइन से आना पड़ेगा, वहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पर आपको राष्ट्रीय संग्रहालय मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूजियम के अंदर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति के कुछ इतिहास के बारे में देखने को मिलेगा, पांडुलिपि देखने को मिलने वाली है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप पोस्ट करके देख। और दोस्तों, एंट्री करने से पहले आप देख सकते हैं बाहर कितने छोटे छोटे यहाँ पे स्टैचूज हैं, जो प्राचीन समय में प्राप्त हुए थे खुदाई के दौरान, देखी। और ये है नेशनल म्यूजियम, यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है और मंडे को बंद रहता है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर की। संग्रहालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वही चलते हैं, सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, इन सब जगहों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त, सभ्यता के दौरान प्राप्त हुई है सब जानवर की मूर्तियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज करके रखी हुई है उनको बड़े तरीके से। यह सब अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। सामने की ओर ये राखीगढ़ी से प्राप्त कंकाल है, किसी मनुष्य की यहाँ पे हड्डियां हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वो कुछ इस प्रकार की मालाएं पहनते थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो। आपने 12th या 11th की NCERT बुक पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी एक फ़ोटो जरूर देखने को मिली होगी। और गाइज, आपको मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन दिखाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मौर्य, सुंग और सातवाहन कलाएँ। यह भी 12th क्लास के NCERT बुक में है, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है तो मुझे याद है। दोस्तों, 90 मिनट में आप संग्रहालय की सैर कर सकते हैं, इसको QR को स्कैन करके कुछ। कांस्य युग की प्रतिमा दिखाता हूँ आप दोस्तों, मैं आपको देखिए कितनी शानदार यहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है। और दोस्तों, ये भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये विजयनगर से संबंधित है। फर्स्ट फ्लोर पे आप सिक्के, पांडुलिपि, तंजौर, मैसूर के चित्र, अंजिता के चित्र देखने को मिलने वाले। पहले मैं आपको कॉइंस दिखाता हूँ, आप सिक्के, चलो। ब्रिटिश एम्पायर के समय पे ये सब कॉइंस चला करते थे, विलियम 1, विक्टोरिया, ये सब देखिए। अब ब्रिटिश स्वतंत्र भारत के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे सिक्के हैं, 1950, ये सब सिक्के हैं जो स्वतंत्र भारत के बाद अपने देश में जारी हुए। यहाँ पर एक बहुत शानदार स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में कॉइंस कैसे बनाया करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर जो संचालित किए गए सिक्के थे। दोस्तों, करते हैं एक्सप्लोर सेकंड फ्लोर को, मध्य एशिया पूरा अवशेष। आओ चले अंदर की ओर।
मध्य एशियाई पुरावशेष वाद्य यंत्र उत्तर पूर्व भारत की जनजातियाँ जीवन शैली। चलते हैं सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। पूर्व भारत की जनजातियाँ एवं जीवन शैली, आओ चले। देखा राष्ट्रीय संग्रहालय को दिखाने का मैंने पूरा प्रयास किया, काफ़ी मज़ा आया। यदि आपकी हल्की से भी हिस्ट्री में रुचि है तो यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। और कोई भी भाई हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता पढ़ने में तो यार काफ़ी बेहतर, 2 लाख से अधिक यहाँ पे अवशेष हैं, तो यार ज़रूर विजिट कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। अब थोड़ा यहाँ पे एक आध चीज़ और रह रही है, वो भी दिखाएंगे, फिर ब्लॉग का एंड करेंगे बाहर जाके। और दोस्तों यदि आप योजना बना के आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा बड़े तरीके से, यहाँ पर आप परचेस करके ईट कर सकते हैं। और अलग अलग गैलरी में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको ले चलता हूँ बौद्ध गैलरी में, तो चलते हैं। सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित स्टैचू हैं जो प्राचीन समय में अवशेष के द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे बौद्ध देवी देवताएं हैं। तो फाइनली पूरा एक्सप्लोर कर लिया राष्ट्रीय संग्रहालय, काफ़ी मज़ा आया। एक चीज़ यही कहूँगा, जिस भाई का इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा, बच्चों के साथ आइएगा, काफ़ी सारी गेन होने वाली है नॉलेज हिस्ट्री से रिलेटेड। और मैं यही कहूँगा जिस भाई को इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आएगा, 4 घंटे भी लगा लेगा, 5 घंटे भी लगा देगा, लेकिन देखने को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है वो 1 घंटे में पूरा देख लेगा, चला जाएगा। कोई नहीं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लाइक कर देना वीडियो को, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना और शेयर करना वीडियो को। जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।